हे गाइस, वेलकम टू द अंकित पटवाल ब्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? खाटू शहर। और हम ऑन द वे हैं, खाटू शहर पहुंचने वाले हैं। अभी हमें अजीतगढ़ में सीकर, और मैं यहाँ पे कुछ नजारा दिखाता हूँ आपको। एक चीज दिखा रहा हूँ, दुकान है यहाँ पे, और यहाँ पे एक दुकान वाला है। यहाँ पे सिंस 1980 से ही है, सनी टी स्टॉल। सनी ना, सैनी, अच्छा सॉरी, सैनी, माय ब्लंडर मिस्टेक। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और ये रास्ता पूरा, मोबाइल कहाँ है, मतलब यहाँ से हम लोग लगभग यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर हैं। और जल्दी हम भैया मेरा मोबाइल किसके पास है, और पूछ लेना मोबाइल किसके पास है। लगभग हमें यहाँ से, मतलब वहाँ पे भी कितना टाइम लगेगा? वहाँ पे 30-35 नहीं, हमें तो टाइम, मतलब वहाँ दर्शन करने में कितना टाइम लग सकता है? देख, 3 घंटे जाने, 3 घंटे, 4 घंटे, वैसे 3 घंटे जाने, 3 घंटे आने, आने भी। 17 या 18 किलोमीटर पैदल यात्रा हम वहाँ से करेंगे। कहाँ से करेंगे हम? वहाँ से रिंगस। हम 18 खत्म। फुल पेट्रोल कहाँ पे?
इस तरीके से इसमें मतलब फुल पेट्रोल किया जा रहा है, इसको मतलब गाड़ी को हिला हिला के इसे पेट्रोल फिल किया जा रहा है, देख रहे हो। मतलब एक हद होती है किसी भी चीज की, इसको गाड़ी को हिलाया जा रहा है और यहाँ से अंदर भी कुछ बैठे हुए हैं, तो मतलब हद है। तो लगभग इसमें अरे अरे देख रहे हो। यहाँ पे मतलब बहुत ही लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं, आई थिंक ये लोग राजस्थान के ही हैं, इनके पहनावा को आप देख सकते हैं। तो इन लोग मतलब ऐसा एक तरीके से हुजूमी है, ये मतलब बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे हैं लोग, तो ये पूरे राजस्थान के ही लोग हैं। तो इन लोगों ने यहाँ से एक यात्रा निकाली हुई है, बहुत स्लो चल रहे हैं। तो अब हम पेट्रोल भरवाने के बाद वहाँ से निकल चुके हैं और लगभग इसको अभी हम कितना किलोमीटर चले नीरज? 40,053 किलोमीटर। ये तो भाई ऑलमोस्ट मतलब पहले से चला हुआ है तो ज़्यादा दिख रहा है उसमें। और यहाँ का मतलब नज़ारा देखो, मतलब लोग लगे हुए पैदल यात्रा पे, कुछ बिना चप्पलों के चल रहे हैं और कुछ चप्पल के साथ लगाने के लिए, है ना। तो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है मतलब रास्ता। और देखो आप ये देख के देखें, इतने है ना, तो ये बड़ा ही मतलब कुछ मजा आने वाला है इसमें। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे, तो कैसा भाई साहब इधर चलेगा भाई? अरे बेल्ट तो लगा लूं। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि हर कुछ अबे तो मैं तुझे क्या कर 200-300 मीटर में टेंट लगे हुए और भंडारा, मतलब यहाँ पे देखो तुम्हें खाने पीने की ना वो नहीं रहेगी, कमी तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। कुछ ही देर में सब चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। तो अभी तो जो टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है मैं बता देता हूँ, 8 बज रहा है करेक्ट। तो आई थिंक 11 या 12 बजे के पास सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। कुछ कहना चाहोगे अर्जुन भाई? और मैं आज सेकंड बार आया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, और बड़ा अच्छा प्रतीक होता है यहाँ। जो भी अपनी श्रद्धा लेके आता है, जो भी अपनी पद्धत लेके आता है, बाबा के चरणों में पूरी होती है। बोलो श्याम प्यारे की जय। तो बने रहिएगा मेरे साथ और मैं आपको और भी अच्छी अच्छी न्यूज देता रहूँगा यहाँ के बारे में, अपडेट्स देता रहूँगा। मतलब यहाँ लोग क्यों आते हैं, कुछ पंडित लोगों के साथ अगर कोऑर्डिनेशन हुआ तो मैं उनसे भी कुछ पूछूंगा उनसे सवाल, तो बने रहिएगा। फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं। कहाँ पहुँचने वाले हैं? रिंगस पहुँचने वाले हैं। रिंगस हम पहुँचने वाले हैं। तो अभी कितना किलोमीटर है भाई यहाँ से? 20-25 किलोमीटर भाई। ये 20-52 पे चल रहे हैं। 20-25 किलोमीटर में वहाँ से सुन रहा हूँ जहाँ से मैंने 30-35 किलोमीटर सुना था, और ये मेरे को मतलब गोली दी जा रही है, यानी कि हम कल ही निकलेंगे यहाँ से। कल भी निकलेंगे, मुझे लगता है कि कल शाम पहुँचेंगे। तो आज ही रात थोड़ी देर में मतलब हम पहुँचने वाले हैं, देखते हैं कहाँ, और जैसे ही पहुँचेंगे मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा। ठीक है गाइस, सब लोग को so, बने रहिएगा मेरे साथ और अपना प्यार भी बनाते रहिएगा। हम थोड़ा सा अलग रूट पे आ चुके थे, अभी फिर से वापस जा रहे हैं। आई थिंक हम कितना किलोमीटर आ गए अभी? थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे आ चुके हैं। यहाँ पे पब्लिक देखो कैसे बैठी है गाड़ी के ऊपर भाई साहब। सो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए हम लोग हमें वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो श्री कृष्ण कृपा होटल एंड रेस्टोरेंट बावड़ी। ठीक है,
तो यहाँ पे बैठने का भी बहुत ही अच्छा जगह है। और वहाँ पे एक चीज़ है देखो, देखा गुरु कृपा, आई थिंक कुछ कंपनी होंगी है शायद, तो बने रहिएगा और भाई की वीडियोस के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और बहुत लंबी वीडियो वैसे जाने वाली है, और वीडियो मतलब 20 से 25 मिनट की रहेगी वीडियो, तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो हम पहुँचे भी नहीं हैं यार, बहुत टाइम लगना है, मतलब शाम तक ही दर्शन हो पाएंगे उस चीज़ के, भगवान के जो इच्छाएँ हैं देखते हैं। अरे तुम बाद में आ गए, सब बना के आ गए, नहीं बनाने के लिए नहीं लाएंगे बाल्टी नहीं, तो यहाँ पर भी हम वन बाय वन आएंगे सब देखो। यहाँ पे देख सकते हो ये कैसे मतलब पानी जा रहा है, ये अपने ऐसे नहलाया जा रहा है इनको। यहाँ पे हम लोग वैसे रुके थे खाना खाने के लिए, अब यहाँ से अब निकल रहे हैं, तो सारे के सारे बिना चप्पल के स्टार्ट हैं। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी दिए जा रहे हैं खाने के लिए, ताकि सबको मतलब एक एनर्जी लेवल बना रहे, बूस्ट, ताकि कोई भी थके ना। और ये सारे के सारे लोग यहाँ पे तैयार हो गए हैं, ये देखो ये जो ड्राइवर है पंडित बन गया। यहाँ पे सारे अब पता नहीं कौन से रूट से जाना है, चलो चलते हैं देखते हैं। और सबको देखो ड्राई फ्रूट्स दिया गया है, मैं सबके लिए लेके आया था वैसे, और बहुत अच्छा लगता जब आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो बने रहिएगा, और मैं आपको अब थोड़ी देर में बाबा जी के दर्शन करवाने वाला हूँ। तो ये है यहाँ पे मतलब गाड़ियाँ रोकी जा रही है, ताकि हम वहाँ तक जो मतलब हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाए। तो देखते हैं कौन सी गाड़ी रुकती है पहले हमारे लिए। एक ट्रक रुका है तो सब उसी में बैठने जा रहे हैं, मैं भी उसी में बैठने जा रहा हूँ। ये सारे के सारे, ये देखो एक ट्रक रुकी हमारे लिए, तो देखो मतलब रूम कैसा, मतलब ऐसा लग रहा है कि अलग ही एक्साइटमेंट है इन लोगों का। तो सब यहाँ पे फाइनली एक ट्रक, एक बार और नारा लगाया जाए। ये देखो मुझे चाकू से डराया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं तो गन्ने का जूस पीने के लिए। यहाँ पे जो भी मतलब आएगा तो यहाँ पे गन्ने का जूस पाना जा रहा है। भाई कैसा गन्ने का जूस है? बढ़िया है। से मतलब लोगों की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे मतलब लगभग देख सकते हो यहाँ से बहुत सारे लोग, और ये मतलब झंडा स्टार्ट करते हैं लेना। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी हैं, और यहाँ
पे मतलब नज़दीक में बहुत सी चीज़ें हैं, ये कार्यालय है तो यहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए हैं, पता नहीं कुछ लेके आ रहे हैं और कार्यालय तो फाइनली अब पहुँचने वाले हैं अभी, मतलब आप लोग यहाँ से पंडित जी, ये पंडित जी कितने कितने किलोमीटर की यात्रा है यहाँ सब, यहाँ से 17-18 किलोमीटर ज्ञान दीजिए। अब हम लोगों ने मतलब यहाँ से पद यात्रा स्टार्ट कर दी है पंडित जी, अब तो देखो सारे साल दोस्त बताते हैं कहाँ कहाँ क्या, यहाँ मतलब नजदीक में बहुत सी चीजें और लोग कुछ लोग यहाँ से वापस आ रहे हैं और कुछ लोग आप जा भी देख सकते हो ये चीजें। तो मैं एक बार और जाऊँगा सेटिंग करवाने को, वहाँ से मैंने बोल दिया था मतलब यहाँ पे राजस्थान एक अव्वल चीज है यार, यहाँ लोग अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो मतलब हर जगह पे आप ये इनको क्या बोलते हैं अर्जुन भाई, डांडी है, झंडी 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 पंडित जी आगे पंडित जी पंडित जी झंडी बोल रहा है, ये निशान बोलते हैं निशान, हाँ तो निशान उठाएंगे उठाएंगे पंडित जी बताएंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, रिंगा से निशान यात्रा के लिए निशान उठाएंगे और उसको पहले उससे पहले निशान को पूजा करेंगे और ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें आरती आरती करेंगे खाटू श्याम जी का, फिर उसके बाद पदयात्रा स्टार्ट करेंगे और फिर जाके खाटू श्याम मंदिर में दे देंगे, वहाँ पे सब वहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता होते हैं वो निशान ले लेते हैं और वो चढ़ जाता हुआ चढ़ा हुआ समझा जाता है और फिर प्रसाद कर दिया जाता है वहाँ पे अर्पित, बस यही है। और भगवान का दर्शन कर रहे थे, बहुत दिव्य दर्शन है, आप सब भी यहाँ पे पधारे, थैंक यू। मतलब जो लोग मतलब यहाँ पे कुछ मांगते हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, पूरी होगी। आपका मन सच्चा होना चाहिए, आप अपने आप से सच्चा होना चाहिए, ताड़ाताड़ी ना करें यहाँ पे, ईमानदारी से काम करें और वैसे कहीं पे भी हो कहीं पे भी यही करना चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए वैसे इंसान का, और उसके बाद उसकी जिस कार्य के लिए आए वो करें, भगवान का नाम लेते हुए चलिए। बोलो क्या बोलते हैं, हारे के सहारे की जय। यहाँ से कुछ पब्लिक वापस भी आ रही है, फिलहाल ही मैंने चश्मा खरीदा यहाँ से पंडित जी, अरे खरीदा नहीं है मेरे से छीन लिया इसने, यहाँ पे पंडित जी तो आप दादा पर दादा, मतलब हम लोगों ने इसको मतलब इनको हायर करा है यहाँ पे, 5,000 रुपए इनको दिया है और मतलब ये ऑन कैमरा मानेगा नहीं बंदा, शकल से देखो पहनावे से देखो, इनके सास पुश्ते काम करती आ रही है, मतलब इनकी पुश्ते यहाँ पे काम कर चुकी है और पैसा ले लेके काम करता है, नक्षत्र सही नहीं है और देखो भाषा से पता चल जाता है इंसान है ना, तो फिर क्या ही बोले अभी, देखो 5,000 में हमने हायर करा हुआ है और ड्राइवर भी हमारा साथ में यही है, मतलब नोएडा से ही लेके आए हुए हैं और अभी तो हम 200-300 मीटर ही आए हैं, मुझे नहीं लगता ये का बस के है, पता नहीं आगे किस हाल में मिलेगा, आपको बता देंगे हम, हालत तो मेरी हम तो पहाड़ी हैं और मजबूत हैं हमेशा, पहाड़ी कितने मजबूत हो गया, एक पहाड़ी सब पे भारी रहता है ये, अरे तो सोना यार मेरा सोना, आगे बैठ के भी सोया ये भाई, अरे देखो मैं सोया इसलिए था जस्ट बिकॉज मैं पहले तो काम करता हूँ, ऑफिस भी जाता हूँ और अपने होटल में भी काम करना पड़ता मुझे, तो मैं 4-5 घंटा सो पाता हूँ तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी है ना, इसके वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा पावर नैप लेना पड़ता बीच बीच में, तो यहाँ से लोगों को देख सकते हो यहाँ निशान मिलता है, यहाँ से निशान स्टार्ट हो गया है लोग, नहीं यहाँ से निशान खरीदने हर तरह का होता, हरा पीला नीला मतलब यहाँ पे तरीके अलग अलग तरीके के आप देख सकते हो निशान, हर तरह का निशान मिलता है बड़ा छोटा जैसा निशान, एक साथ बहुत सारे निशान भी लोग उठाते हैं वैसा निशान भी ले सकते हैं आप, आपके मान्यता के ऊपर है, यहाँ पे जैसे वैष्णो देवी में जय माता दी का वो पट्टी लगाते हैं उस तरह का भी यहाँ मिलेगा जय श्री श्याम का, फिर उसके बाद और आपको कुर्ता पजामा लेना वो भी मिलेगा आपको यहाँ पे सस्ते में, सुविधा है लोग आपको हेल्प भी करेंगे और आपको बताएंगे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, पानी है खाना है हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ दिया जाएगा, आपकी मर्जी है आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं नहीं उठाना चाहते हैं, कई लोग मानते हैं कि फ्री का चीज़ नहीं खाना चाहिए लेकिन हम लोग खा लेते हैं प्रसाद समझ के, प्रसाद प्रसाद हमारे पास हम भी खिला देंगे और क्या, तो
बने रहना वीडियो में। अभी मैंने अपना चश्मा उसको दे दिया वापस। जी नहीं, ये मेरा चश्मा है और इसने मेरे से उधार लिया था। मैं भी अपन जी। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अभी चलते चलते यदि पैदल यात्रा कर रहे हो आप, आपको लग रहा है कि पैर में दर्द हो रहा है या आप ज़्यादा थकान हो रही, तो आपको यहाँ दवाइयाँ भी फ्री मेडिसिन होती है और आपके गर्म पानी में पैर को रखवाया भी जाता है और कई तरह का मशीन भी है जो पैर के लिए होता है। हेल्थ के लिए पूरा ध्यान दिया जा रहा है आपके ऊपर यहाँ पे, और पूरी व्यवस्था है। और आप चाहो तो बैठ सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा लेट सकते हो। निशान को सही जगह रखने के लिए एक स्थान दिया गया है, हर 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 20 मीटर के दायरे में दिया गया है ऐसा। ठीक है, ठीक है, आप लोग समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। फिर बने रहिएगा वीडियो में और मैं बहुत सी काम की चीज़ें बताता हूँ और आपको बताता हूँ अभी एक वीडियो के द्वारा। ये जो निशान है और यहाँ पे बहुत सारे जो चीज़ें हैं बता उन्हें कि यहाँ पे हम खरीद सकते हैं और अपने आप को सजा सकते हैं और राजस्थानी पोशाक मिलता है यहाँ पे, ऐसे बता। यहाँ से देख सकते हो बहुत लोगों ने पहना हुआ, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सामने पे देख रहा होगा यहाँ पे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बहुत छोटे बच्चे भी यहाँ पे निशान उठाते हैं। आई थिंक आप सब लोगों को बहुत सी चीज़ें गेन हुई और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और बस तेरा कितना हो गया? मेरे को यहाँ पे 3 या 4 बार आ चुका हूँ निशान उठाने के लिए। हर बार होली में आते हैं, मतलब लक्की मेला लगता है यहाँ पे तब। वैसा मेरा फर्स्ट टाइम, और हमारा ग्रुप है 6-7 लोगों का ग्रुप है, आज और ग्रुप बढ़े, कम से कम 13 लोगों का ग्रुप आई है यहाँ पे, 13 बंदों का। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है और मेरा एक्सपीरियंस का फर्स्ट टाइम है। अर्जुन भाई का भी इस ग्रुप में फर्स्ट टाइम है, नहीं ऐसा वाला फर्स्ट टाइम है, ऐसा ग्रुप का फर्स्ट टाइम है। लेकिन ये देखिए, और एम्बुलेंस का भी यहाँ पे आवाजाही बनी रहती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत उसका उपचार किया जाता है। अब पद यात्रा बहुत लंबी होने वाली है। पंडित जी को पीछे छोड़ दिया है। पंडित जी देख सकते हो। मतलब अभी हमने इसका मतलब आधा घंटा पूजा की हम लोगों ने वहाँ पे, और एक निशान जगह होती है मतलब भवन है यहाँ पे, वहाँ पे पूजा करनी होती है और फिर तभी इसकी मान्यता पूरी होती है। फिर ये अभी मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस है, जो भी है वहाँ पे प्रोसीजर मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है।
वीडियो में बने रहिएगा। पगड़ी कैसे लग रही आप कमेंट में जरूर बताएं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। हालत इतनी खराब हो गई है, मतलब पैर तो मतलब छाले पड़ गए हैं दोनों के पीछे दोनों में, मतलब और जो एरिया होती है वहाँ पे छाले हो गए हैं। चल रहे हैं फिर भी, भगवान बोलते हैं ना कि भगवान तुम्हें एक शक्ति देता है, वही हिसाब है। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सो अब यहाँ पे मतलब गैदरिंग होने स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पे देख भी सकते हो बहुत सारे पब्लिक है ना, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पब्लिक हो चुकी है। और बहुत सी चीज़ें, अभी मेरे दोस्त बहुत ही पीछे हैं, अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे उन लोगों का। ज़्यादा दूर पॉसिबल आ जाए, आगे का भी व्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा। फाइनली अब हम लोग यहाँ, इतनी भीड़ हो रही है कि हद है। इतनी भीड़ होती है, ये आया नहीं इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो ये यहाँ का एक पंडित जी हमने पकड़ा हुआ था, जैसे मैंने पहले ही बताया था तुम लोगों को, आप लोगों को। तो ये देखिए बहुत सारे चप्पले हैं जो अभी तो रुक गई है, पता नहीं कब जा रही है। देखो भीड़ इस कदर है कि मतलब आप थोड़ी देर में तो मेरा अंदर का भी नजारा, अंदर नहीं ऐसे देख, ऐसे ऐसे हाथ देख रहा मेरा पीछे का, तो अभी ऐसे मतलब चिपक जाएंगे सारे के सारे पीछे का। तो आपको जोन से चप्पल पसंद है, चलने दो फिर चप्पल लेना है तो चप्पल ले लो आप। देखने चप्पल बहुत सारे तरह तरह के हैं, रिलैक्सो है, पैरागोन है, स्पार्क है, तो हमारी सारी पल्टन है यहाँ पे। ये बहुत सारी चीज़ें भी लगी रहती हैं, यहाँ पर खा सकते हो तुम लोग, खा नहीं सकते हो। चूरमा है, बाबा पे चढ़ता है कुछ कुछ भी, जबरदस्ती लगा रहे हैं, जो जबरदस्ती लगाते हैं हो गया एकदम। अब पैसे भी जबरदस्ती ले लेते हैं 20 रुपए का, ठीक है। तो अभी मैं अंदर का आपको थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ, चलो। राधे 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 राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। बूस्ट कर दिया उसने, ऐसी करते हैं। लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे और तुम लोग देख सकते हो, मतलब वन बाय वन ऐसा रो बनाया गया है यहाँ पे और लोगों का भीड़ इस तरीके से यहाँ पे, मतलब यार हद है, लाखों में लोग हैं यहाँ पे यार, लाखों में बहुत भीड़ है, बहुत देख सकते हो तुम लोग। और व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे
था वैसे, और आदि अगर वीडियो बनाने का मौका मिला तो मैं जरूर बनाऊंगा। अगर मेरा फोन अगर छीना नहीं लोगों ने तो मैं ट्राई करूंगा पूरी की वीडियो बनाऊं, कैप्चर करूं बाबा को, तो बुलाया तो दर्शन करना तो बनता तो नहीं होता, क्यों बने रहिएगा मेरे साथ। लोगों की हालत देखो कैसे कैसे बैठे हुए लोग, तो मना कर रहा हूँ चार्जिंग बड़ा मजा आया। केवल 0.5 सेकंड का दर्शन का टाइम मिला, उसके बाद बोला चलो बाहर चलो, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया। माता के दर्शन और वीडियो को मैं यहीं तक समापन करता हूँ। वीडियो को मैं गोदी से लेके आया हूँ, ये बात कर रहा है मैं एकदम।